best experience, right? You said? Yeah. Best compliment. I think I got for my dance, yeah. बहुत टाइम बाद somebody's come and said कि ऐसे moves आपने कहाँ से सीखे, और मुझे honestly नहीं पता था कि मैं ये कर सकती हूँ, but मैंने किया है. So I think एक जो एक नया आके feedback मिला है मुझे about the moves I've done, I will take that as the best compliment. यार म्यूज़िक ना एक फिल्म का बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है, एंड आई फील कि हमारी पिक्चर का म्यूज़िक इतना अच्छा था कि उससे हमें और ज़्यादा रिस्पॉन्स, फुटफॉल, इंटरेस्ट, क्यूरोसिटी, बज क्रिएट हुई. तो आई विल डेफिनेटली से द सॉन्ग्स हैड अ वेरी बिग हैंड टू प्ले इन इट. बट इवेंचुअली कहानी अच्छी थी यार, मतलब कहानी के बिना आई गेस वो हम गाने जो हाई पॉइंट अचीव भी होता ना वो फिर ड्रॉप हो जाता. बट अब ये थर्ड फोर्थ वीक मतलब चलती जा रही है, एंड द फिल्म इज़ नॉट ड्रॉपिंग इन बिजनेस, which only goes to say that the product was really that good. So I don't know whether you want to expect it or not. I want it for sure. So I am waiting. I have a creative which I already thought of ki jab 100 cross kar legi tab main wo post karungi. So I am very ambitious. Of course banni chahiye, kyun nahi banni chahiye, but ye main thodi banaungi. Ab jo sir hai wo hi batayenge ki kya ho raha hai. बट अगर बनी तो या आई नो आई हर्ड दैट इट्स बिकम अ सुपर डुपर हिट इन पाकिस्तान एज वेल, एंड इट्स मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी ओवरसीज एज वेल. सो आई एम रियली ग्लैड, या दुबई ऑल्सो, या सो आई एम रियली ग्लैड दैट वी हैव दैट सॉर्ट ऑफ रीच नाउ ग्लोबली. वेर डिड यू नॉट कम इन ऑलरेडी? आई थॉट आई वॉज लेट. कार्तिक सॉरी, I'm not late. Yes, I'm breaking one more stereotype as a girl. Up next, sirf Kartik pe khatam. Aage. With yaar, I would love to do films with everybody. Kartik, Sunny, Love Sir, everybody. So the more the merrier for me. I love them all. हाँ, negative नहीं सर. मैं अब मैंने एक term coin किया है, और अब मेरा term चलेगा क्योंकि picture hit हो गई. It's called anti-hero. So I would be the anti-hero any day. At least in a Love Ranjan film, because baki to ladke hi hote hain, to kya karu? आने वाले समय में यार मैं जो भी करूँगी बहुत सोच समझ के करूँगी, क्योंकि इस टीम के साथ तो मज़े बहुत आते, तो हम ये प्रोडक्ट करते रहते हैं. बट अगर कुछ नया इंटरेस्टिंग नहीं हुआ तो शायद मैं थोड़ा रुक के चूज़ करूँ कि मैं क्या करूँगी. बट देखते हैं, आई एम ऑल्सो वेटिंग कि क्या आता है. ऑलराइट, जाऊँ? हाँ जी, हाँ जी. अब पार्टी हमारी, हम कभी भी आ जाएंगे आपके लिए. ऑलराइट, सी यू, बाय. सोनू की टीटू की स्वीटी बहुत मज़ेदार फिल्म है, मैंने आज ही देखी है और मुझे बेहद पसंद आई. दोनों दोस्तों की कैमराडरी कमाल थी, एंड यू नो लव रंजन साहब ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई. जी बल आधी बनी हुई है, अभी आधी कंप्लीट करेंगे हम लोग नेक्स्ट मंथ, अगली बार करेंगे इस पर डिस्कस. ओ चल कुड़िए नी चल हो तैयार, देसी दारू इंग्लिश बार,
चल कुड़िए नी चल हो तैयार, देसी दारू इंग्लिश बार, छोटे छोटे पैसनी ड्राइवर छोटे छोटे पैग मार, छोटे छोटे पैग मार बेबी छोटे छोटे पैग मार। थैंक यू सो मच सर, लव यू, आप लगे रहो। थैंक यू, थैंक यू जी। जी क्रेडिट मेरे उस्ताद जी के चरणों में है, उनकी वजह से मैंने मुझे गाने मिले और आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑलमाइटी। I'm so happy you guys are happy. You know, I'm glad you're liking my songs and God's been so kind to me. Thank you. Your another song is going to success, Baagi 2. Baagi 2, yes, it's doing as well. You want me to sing that as well? Okay. नीवी नीवी आंखों को झुका के रख ले, गोरे गोरे गालों को छुपा के रख ले, ऐवें करी ना किसे दे नाल प्यार, मुंडियां तो बच के रही नी तू, हुणे हुणे होई मुटियार, मुंडियां तो बच के रही। थैंक यू, लव यू। हाँ जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी हेयर। एक मैं स्नैपचैट बनाना तुहाडे सारयां दी, ठीक है? तुसीं गाना गाउणा छोटे छोटे पैग, ठीक है? चल कुड़िए नी चल हो तैयार, देसी दारू इंग्लिश बार, छोटे छोटे पैग मार बेबी छोटे छोटे पैग मार, छोटे छोटे पैग मार बेबी छोटे। मैं सारी जिंदगी मीडिया लिखा, आज मीडिया मेरे लिखा रहा है। आई एम सो हैप्पी, लव यू गाइस, लव यू। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, एक्साइटमेंट है। जितने रिस्पॉन्स आए हैं, जितने मैसेजेस आए हैं, जितने ट्वीट्स आए हैं, डीएम्स आए हैं, बहुत खुशी है। आई मीन रिएक्शन इतना अच्छा हुआ है फिल्म का, इतना प्रशंसा है कैरेक्टर्स की सबकी, एंड आई एम रियली हैप्पी। मतलब मैं शुरू में थोड़ा सा बहुत वो था कि हेजिटेंट था कि कहीं थिन लाइन थी, कहीं नेगेटिव ना लग जाए कैरेक्टर, ग्रे शेड था, बहुत मैनिपुलेटिव चीज़ें भी कर रहा था सोनू, बट इट ऑल वर्कड आउट यार, एंड आई एम रियली हैप्पी जिस तरीके से रिस्पॉन्स आया। अब तक का सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई थिंक लवरंजन सर के पापा ने मुझे दिया था। उन्होंने लास्ट सीन जो फिल्म में है जिसमें मेरा एक आंसू निकलता है, तो उन्होंने मुझे बोला था कि ये जो एक आंसू तुम्हारा निकला है ना, वो मोती की तरह दिलों को छुएगा सबके, तो उस मोती को संभाल के रखना। तो कार्तिक, पहले जो जिस तरह से आपको पिक्चरें आई हैं और जी, ये पिक्चर आई है, काफ़ी अच्छा बिजनेस किया है जी, दोनों पिक्चरों में जी। तो ये जो सक्सेस था आपकी करियर के लिए बहुत ज़रूरी था। बहुत ज़रूरी था यार, मतलब आई थिंक बॉक्स ऑफिस रिजल्ट, क्रिटिकल अक्लेम, थैंकफुली हमेशा रिव्यूअर्स मेरी तरफ, उन्होंने हमेशा काम की तारीफ की है, ऑडियंस ने भी किया है, बट बॉक्स ऑफिस नंबर बहुत ज़रूरी है एक एक्टर की लाइफ में, जो इस फिल्म से मेरे को मिला है, सोनू के डिटू की स्वीटी से। एंड आई एम रियली हैप्पी कि लोग अभी वो एक बैंकेबल एक्टर की तरह देखते हैं मुझे। जी जी, आई थिंक मैं एक फिल्म बहुत सारी फिल्में ऐसी, लेकिन अगर एक फिल्म ऐसा कहना चाहूँ तो बर्फी एक फिल्म थी जिसको देख के ऐसा लगा था कि वो कैरेक्टर प्ले करने में बहुत मज़ा आता। एंड नो डाउट रणबीर कपूर ने तो उन्होंने बहुत ही अच्छी हमेशा से एक्टिंग अच्छी की है, बट एक कैरेक्टर अगर ऐसे पूछना चाहे तो वो बर्फी का रोल होगा। जी, रियल में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, गिनती के मतलब दोस्त हैं, बहुत सारे नहीं बोलूँगा, जिसमें मैं किसी का टीटू भी हूँ और दूसरे का सोनू भी हूँ। तो एक से मैं सिचुएशन में हेल्प मांगता हूँ, एक से मैं हेल्प देता हूँ एक को, तो वैसा रहा है मेरे साथ, बट इस एक्सटेंट तक मैं कभी गया नहीं हूँ। बट आई एम श्योर अगर कुछ ऐसी सिचुएशन होगी तो मैं भी
اپنے دوست کو ایک خراب میرج سے بچانے کی کوشش کروں گا. اجے سر کے ساتھ سوری کیا کوئسچن تھا جی؟ کوئی بھی اناؤنسمنٹ جو میرے ہوں گے وہ جلدی ہی ہوں گے اور میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں, مطلب شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کیا میری اگلی فلم ہونے والی ہے. بٹ رائٹ ناؤ وی آر سیلیبریٹنگ سکسیز آف سونو کے ٹیٹو کی سویٹی اینڈ آئی کانٹ کمنٹ آن اینی تھنگ رائٹ ناؤ. یہ میں پارٹی کروں گا اس کے بعد پھر بتاتا ہوں آپ کو. آف کورس, مطلب میں یہ ٹیم کے ساتھ بہت ایک لگاؤ سا ہو گیا سب کے ساتھ کام کرنے کا, اینڈ ہوپ فلی ان فیوچر بھی کام کرنے کا موقع ملے گا تو ڈیفینیٹلی ساتھ میں کام کرے گا. میڈ اٹ والے بریکٹ میں یو ہیو میڈ اٹ, ہیو ارائیوڈ. سر مطلب وہ آڈینس کا اور انڈسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے ہوتا ہے وہ جواب, تو آئی تھنک آئی ایم, مطلب میں خود اس چیز کو جج نہیں کر سکتا, بٹ آئی ایم ریئلی, ہاں میں فیل یہ کر رہا ہوں کہ آڈینس سے, کرٹکس سے اینڈ سبھی سے, مطلب آپ سب سے یا انڈسٹری سے میرے کو جو جس طریقے کا رسپانس آیا ہے, میسیجز آئے ہیں, آئی تھنک جن لوگوں کے ساتھ میں کام کرنے کی اچھا رکھتا تھا شروع سے, ان لوگوں کے کمپلیمنٹس آنا میرے لیے بہت بڑی بات ہے, اینڈ ایسے ہی ہوپ فلی آگے بھی فلمیں کرنا چاہوں گا. تو میں یہ تو نہیں بولوں گا کہ میں خود سے منہ سے بولوں کہ آئی ہیو ارائیوڈ ہے یہ ساری چیزیں, بٹ آئی ایم ریئلی ہیپی ود دا سکسیز. سکس سر آئی تھنک دے آر ویری نیچرل ایکٹرس, رنویر سنگھ اینڈ رنبیر کپور اسپیشلی, مطلب بہت نیچرل ہے. ورن دھون ماسی ہیرو ایک دم ہی, بٹ اس بریکٹ میں آنے کے لیے بھی, مطلب انہوں نے بہت ساری فلمیں ایسی دی ہیں جو بہت بڑی ہٹ رہی ہیں, اینڈ ٹھیک ہے سونو کے ٹیٹو کی سویٹی کی ایک سکسیز ہے, بٹ یہ میرے کو اور زیادہ اسی سکسیز اس کے بعد بھی چاہیے. بٹ یہ ایک چیز اچھی ہے کہ جو کمپیریزنس ہو رہے ہیں اس میں اچھے ایکٹرز کے ساتھ نام جوڑا جا رہا ہے میرا بھی, سو آئی ایم ریئلی ہیپی ود دیٹ. جی ایسے ہی ہوں میں آپ کا کارتک, ایسے ہی ہے جی. انہوں نے, میں بتاتا ہوں, پارٹی پہلے رکھ لی میں اپنی, ایکچولی میری ممی یہاں پہ آ رہی تھی اور ان کی, مطلب وہ تھوڑی ڈیلے ہو گئی آنے سے. ہیلو ایسے ٹھیک ہے تو سو ہاں میں اس لیے تھوڑا سا شمع چاہتا ہوں اگر میں لیٹ ہوا ہوں تھوڑا سا. میں ویٹ کر رہا تھا, میں اپنی ممی کو پک کرنے گیا تھا سکسیز پارٹی کے لیے, اینڈ بس اس کے لیے میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا. پر آپ لوگ نے شاید کھانا کھا لیا ہوگا, یار آئی ایم ریئلی ہیپی کہ ورلڈ وائڈ بھی سکسیز فلم کو بہت مل رہی ہے, مطلب ہر کارنر سے فلم کو اتنا پیار مل رہا ہے چاہے وہ انڈیا میں ہو باہر ہو. انفیکٹ کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ, مطلب شوز الگ سے لگوائے گئے ہیں جہاں پہ ریلیز نہیں ہوئی تھی فلم, تو وہ بہت ایک بڑی بات ہے اور سکسیز والی بات ہوتی ہے ایک فلم کے لیے. سو آئی ایم ریئلی ہیپی کہ ایسا ورلڈ وائڈ ایک ریکگنیشن مل رہا ہے فلم کو, اور آئی ایم جسٹ ہیپی یار, آئی ایم ان اے ویری ہیپی اسپیس اینڈ آئی وانٹ ٹو کنٹینیو سیلیبریٹنگ سکسیز. ٹیبل ہٹا دیں. بولو تو سے ہے.
बीच में आओ, सोनू की टीटू, सोनू की टीटू की स्वीटी, सर पार्ट टू आ रही कि नहीं? नहीं बट सर राइट से शुरू करो, राइट से शुरू, राइट से थोड़ा खुशी दिखाइए ना चेहरे पे, ऐसा मतलब थोड़ा अच्छा चुटकुला बनाया है इधर भी है, नहीं नहीं अब हम लोग चेंज करेंगे, अब बीच में नुसरत बीच में आएगी, बीच में एक नंबर, ओहो क्या बात है, अबे ये क्या कह रहे हो, अरे बोलो सर, अरे मैं आधा कट गया ना, सारे सारे सिंक में हंसी है सर, आप लोग अलग अलग हंस रहे हैं, सिंक में हंसी है, वन टू थ्री हंसी है, बहुत सुना रहा हूँ भाई, हम लोग को करने दो थोड़ा काम, भाई आप साइड हो जाओ, यस सर, करी है तो मुझे जब स्क्रिप्ट ही सुना था तब से ही पसंद थी, तो आई थिंक सो आई वाज वेटिंग, रिस्पांस इतना अच्छा आया, वी वर होपिंग कि अच्छा होगा, बट दिस काइंड ऑफ रिस्पांस वी नेवर एक्सपेक्टेड, सो वी रियली रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीबडी हुज एवरीबडी हुज सीन द मूवी, लव द मूवी, सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, इनफैक्ट मुझे पीकीपी दोनों में इतना रिस्पॉन्स नहीं आया जितना मुझे इस मूवी में आया है, और बेस्ट कॉम्प्लीमेंट ये था दैट माई कैरेक्टर दैट आई यू नो एक्सप्रेशन क्वीन एंड सारे शेड्स ऑफ कैरेक्टर मैंने इस किरदार में निभाए, सो आई वॉज वेरी हैप्पी. वॉट नेक्स्ट, आई हैव साइंड अ फिल्म, आई कॉन्ट टॉक अबाउट इट येट, लेकिन आई होप यू विल हियर फ्रॉम इट सून. अबाउट वॉट? अबाउट द फिल्म?
फिल्म तो आप सबने देखी है, आपको पता ही है कैसी है। अच्छा दूसरी अभी मुझे बोला है कि अभी ना बोलूं, लेकिन वो आ ही जाएगा बाहर। कैरेक्टर जैसे मैंने अभी तक से निभाया उसे बहुत अलग है। अगेन अभी पता चल ही जाएगा आपको। थाम्बा पता चल जाएगा। मैं सब कुछ स्क्रिप्ट बता दूं, स्टोरी बता दूं क्या। थैंक यू। यू वांट टू डू पिक्चर्स? कैसे हो भाई? ऑफ कोर्स मैंने मूवी देखी। अरे बहुत अच्छी मूवी लगी। मतलब हम पंजाब वाले हैं, हम मतलब हमारे तो रगों में वो चीज़ है जो इस फिल्म में दिखाई गई है। बट ऑन अ सीरियस नोट आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म एंड ऑल ऑफ आवर फ्रेंड्स एंड इट्स जस्ट हेलो। और ये कितने अच्छे हैं फिल्म में, इन्होंने बहुत अच्छे से। अब मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि वो तारीफ करेगा, वरना नहीं, बिल्कुल नहीं करता। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स पार्टी करने आता है मेरे साथ। नहीं नहीं, बट बहुत अच्छी फिल्म है यार, एंड एवरीवन डन सो वेल एंड सो हैप्पी टू सी द फिल्म। मैं इनफैक्ट बताना चाहूंगा, चली जाऊंगी। अरे नहीं, समथिंग अबाउट मी फास्ट पे जा रही हूं। यू नो यू आर वेरी गुड इन द फिल्म, एब्सोल्युटली। थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। बट या सो वेयर वाज आई? मैंने चंडीगढ़ में फिल्म देखी थी, वी वर शूटिंग देयर एंड आई वेंट ऑन अ 5 o'clock शो एंड इट वॉज फुल एंड द ऑडियंस वर लाइक रियली हूटिंग एंड क्लैपिंग, विच वॉज सच अ गुड साइट टू सी, बिकॉज सोनू की टीटू की स्वीटी जैसी फिल्में, हमारी फुकरे इन जैसी फिल्मों को जो रिस्पॉन्स मिलता है, इट्स सो ओवरवेलमिंग टू सी द ऑडियंस रिस्पॉन्स लाइक दैट एंड इट्स जस्ट अमेजिंग टू सी द नंबर्स दैट दीज फिल्म्स आर डूइंग। सो upcoming projects, there's a film that we've completed, it's in post production right now, which is called Friday, which has Govinda sir and me in it, that comes out mid this year, and currently I'm shooting for Arjun Patiala, which is Dinesh Vijayan ji's and TC's film, directed by Rohit Jugraj and has Diljit Dosanjh, Kriti Sanon and me in it. So I'm very very excited for that, and that's in process of shooting right now. Thank you.